जल्दी होने वाला है बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लेश। सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 एक साथ पर्दे पर दिखेंगी। दोस्तों, भूल भुलैया 3 की टीम ने पोस्टर डालकर दिवाली रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। साथ में 5 बड़े अपडेट्स भी बाहर आए थे, तो मौके पर चौंका लगाते हुए सिंघम फ्रेंचाइजी के पापा रोहित शेट्टी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज करके। सिंघम अगेन ऑन दिवाली 101% कन्फर्म हो चुकी है। अब चाहे फिल्म का हीरो क्यों ना बदल जाए, लेकिन रिलीज डेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली। तो चलो फटाफट से 6 बड़े अपडेट्स बता देता हूं आपको सिंघम 3 के बारे में, जो एकदम अंदर की खबर बाहर निकालेंगे। लास्ट वाला सुनकर चौंक जाओगे। अपडेट नंबर 1 शायद आपको थोड़ा सा टेंशन में डाल सकती है, क्योंकि सिंघम 3 की शूटिंग अभी भी थोड़ा सा बची हुई है। माने पिक्चर टिल डेट शायद नॉट रेडी है, इसीलिए काफी रूमर्स उड़ रहे थे कि फिल्म पोस्टपोन हो जाएगी। दिवाली तो छोड़ो, शायद 2024 में भी रिलीज ना हो पाए और 26 जनवरी 2025 को रिलीज की जाए। बट बेस्ट न्यूज ये है कि रोहित शेट्टी एंड टीम ओवरटाइम करके किसी भी तरीके से सितंबर में फिल्म का काम फुली फिनिश करना चाहते हैं। 100% इवेंट इसी महीने एक छोटा सा टीजर वीडियो भी प्लान किया है सिंघम अगेन के मेकर्स ने, जो अचानक से आएगा बट भूल भुलैया 3 के बाद ही आएगा, ये कन्फर्म है। अपडेट नंबर 2 पर्सनली मुझे काफी एक्साइट लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कास्ट होने के बाद भी पता है रोहित शेट्टी अपना पूरा फोकस किस पर डाल रहे हैं। लॉर्ड अर्जुन कपूर, इनका कमबैक सबसे बड़ा होना चाहिए पूरे बॉलीवुड के अंदर, ऐसा प्लान किया जा रहा है। पर सिंघम फ्रेंचाइजी, ध्यान से सुना आपने, पूरा फ्रेंचाइजी मैंने, अर्जुन कपूर का कैरेक्टर सिंघम 3 में खत्म नहीं होने वाला। इनका फ्यूचर रेडी किया जा रहा है। एक तरीके से आप मान लो सिंघम अगेन बस इनका इंट्रोडक्शन देने वाली फिल्म होगी, जबकि अर्जुन कपूर का कैरेक्टर आगे आने वाली फिल्मों में धीरे धीरे खुलेगा। वैसे कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स तो ऐसी है, डेंजर लड़का जो अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का नाम है, वह रावण से इंस्पायर्ड हो सकता है, जिससे पूरी राम सेना को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अपडेट नंबर 3, गुड न्यूज फॉर सिंघम फैंस। जैसे पिछले कुछ टाइम आपने नोटिस किया होगा, काफी फोटोज फिल्म से एक एक करके लीक हो रहे थे सोशल मीडिया पर जैकी श्रॉफ का, तो पूरा फाइट सीक्वेंस ही कैमरा के सामने आ गया था, जिसमें अजय सर के सामने जैकी सर का फेस ऑफ होने वाला है। इन कश्मीर तो बात ऐसी है कि यह लीक फोटोज वाला सिलसिला आगे भी चालू रहने वाला है। फिल्म की टीम खुद अपनी साइड से बाकी कैरेक्टर्स को भी पब्लिक के सामने लीक कर सकती है। आप सोचोगे तो थिएटर जाकर क्या करेंगे, जब सब पहले ही घर में देख लेंगे, यही रोहित शेट्टी का स्टाइल है। सूर्यवंशी के ट्रेलर में सबको दिखा दिया था, वैसे ही आप तैयार हो। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आएगी, फिल्म के सेट से और भी कैरेक्टर्स की पिक्चर्स बाहर आने लग जाएंगी। पर हाँ, एक चैलेंज है, तो अपडेट नंबर 4 ये है कि सिंघम यूनिवर्स और बड़ा होने वाला है। नहीं, टाइगर श्रॉफ दीपिका पादुकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब जानते हैं। इस बार फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को भी शामिल किया जा रहा है। शेरशाह ओटीटी बड़ी स्क्रीन पर कमबैक करेंगे। सिंघम अगेन की कहानी दिल्ली से कश्मीर तक कनेक्ट कर सकती है, और इसी बहाने दिल्ली से ऑफिसर्स सेट को कॉप यूनिवर्स में शॉर्टकट एंट्री भी मिल सकती है। शिल्पा शेट्टी लेडी ऑफिसर आएंगी, और शरद केलकर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल फिल्म के अंदर प्लान किया जा रहा है, जो फिल्म के एक्शन में थ्रिल और सस्पेंस ऐड करेगा। अब 5वां अपडेट थोड़ा मैप्स के साथ कनेक्टेड है। भूल भुलैया 3 और सिंघम 3, जो क्लेश है ना उसमें, इतना तो सब जानते हैं कि दोनों मूवीज खूब सारा पैसा बनाएंगी, पर दिक्कत है बजट की, जिससे कौन सी फिल्म बड़ी हिट है और कौन सी सेकंड नंबर पर रहेगी, यह डिसाइड किया जाएगा, जिससे इस क्लैश का फाइनल रिजल्ट बाहर निकलेगा। और इतना तो आप सब जानते हैं, पब्लिक हमेशा नंबर 1 के साथ खड़ा रहना चाहती है, नंबर 2 से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तभी तो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये डिस्कशन हो रहा है कि भूल भुलैया 3 वर्सेज सिंघम 3, दोनों मूवीज अगर 300-300 करोड़ भी कमा लेती हैं, तो कार्तिक आर्यन की फिल्म को ज्यादा बड़ा हिट बोला जाएगा, क्योंकि वहां पैसा कम लगेगा, जबकि सिंघम 3 का बजट बहुत हैवी रहेगा। बस इसी को काउंटर करने की तैयारी कर रही है टीम। सिंघम अगेन माने 200 करोड़ प्लस बजट, जो इंटरनेट पर लिखा है उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा पब्लिक के दिमाग में। यानी एक तरफ 70 करोड़ वाली फिल्म, तो दूसरी तरफ 200 वाली पब्लिक खुद सिंघम की तरफ खिंची चली आई। ये नंबर सुनकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और यही है अपना सबसे बड़ा लास्ट अपडेट नंबर है, जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, बट ये रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में कुछ भी असंभव नहीं है। कल शेट्टी ने जो अनाउंसमेंट वीडियो डाला था सिंघम अगेन का, उसमें एक हीरो का हिंट दिया गया है, जो स्कॉर्पियो में बैठकर एंट्री मारेगा। बस यहीं से लोगों का दिमाग लोमड़ी की तरह चलना शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम लिया जा रहा है दबंग
यंग सलमान खान का कुछ टाइम पहले ऐसा बोला गया था कि सलमान खान इस चुलबुल पांडे को रोहित शेट्टी सिंघम यूनिवर्स में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सलमान खान की साइड से उतना इंटरेस्ट नहीं आया तो प्लान थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये नया हीरो इन ब्लैक स्कॉर्पियो एस चुलबुल भैया व्हाई नॉट। लेकिन अब एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है जो फिलहाल कन्फर्म तो नहीं है बट काफी जगह पढ़ने को जरूर मिलेगी। सिंघम अगेन के बड़े बजट को जस्टिफाई करने के लिए और भूल भुलैया 3 के इंटरेस्टिंग कैमियो को काउंटर करने के लिए शायद रोहित शेट्टी नॉर्थ को छोड़कर साउथ इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें पहला नाम सूर्या का आ रहा है। दी ओरिजिनल सिंघम, जिसको रीमेक किया था हिंदी में, और जानते हैं सच में ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर से सिर्फ चुलबुल नहीं साउथ इंडस्ट्री का सरप्राइज बाहर निकल आए तो सच में भूल भुलैया के अंदर खो जाएगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।